एक लेखक हुए हैं वाचस्पति, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था भामती, और भामती ग्रंथ के माध्यम से ही विवाह संस्कार, विवाह पद्धति होती है। इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम, उसमें एक संकल्प दिलाया जाता है कि लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री मैं आपको अर्पण। तो आप देखिए कि वाचस्पति उस ग्रंथ को लिखने में इतने व्यस्त हो गए कि युवा अवस्था में ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और महाराज वृद्धावस्था आ गई। एक दिन उनकी धर्म पत्नी कक्ष में दीपक जला रही थी, दीपक जलाते जलाते जब पत्नी की तरफ ध्यान गया तब याद आया कि ये मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा तुमने कभी मुझे ध्यान नहीं दिलाया, कभी कोई बात नहीं की। अरे स्वामी क्या करती, आप इस ग्रंथ को लिखने में इतने व्यस्त थे और लोक कल्याण के लिए आपको इस ग्रंथ लिख रहे हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इतने प्रसन्न हुए कि जब उस ग्रंथ को पूर्ण किया तो उस ग्रंथ का नाम ही अपनी पत्नी के नाम पर भामती रख दिया। आज भी विवाह पद्धति जो होती है, विवाह संस्कार जो होता है, वो उसी भामती ग्रंथ के माध्यम से होता है। आज अगर उनकी पत्नी का इतना बड़ा त्याग नहीं होता तो इतना बड़ा ग्रंथ नहीं होता। कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे जीवन की व्यवस्था है, जैसा प्रारब्ध ने आपको दे दिया, आप उसमें प्रसन्न रहिए।